हेलो एवरीबॉडी बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ बिहार बोर्ड जो मैट्रिकुलेशन का क्वेश्चन हुआ है 2021 में, उसके पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। बच्चों ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछ रहा है। अच्छा, वैलेंसी निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कम से कम। अगर एटॉमिक नंबर याद होगा तभी आपकी वैलेंसी निकल पाएगी। अब देखो, ध्यान दो बच्चों, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आठ। कितना होता है? आठ, एट, फाइव और थ्री, एट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसकी एटॉमिक नंबर होती है एट, परमाणु संख्या होती है आठ। कितनी परमाणु संख्या होती है? अब देखो वैलेंसी तुम लोग सीखो कैसे निकालना, ध्यान समझो। देखो बच्चों, वैलेंसी हो गई आठ। अब देखिए, अब इसको ना ऐसे अष्टक प्राणी होते हैं, दो और छह, दो और छह, तो छह दो आठ। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने सेल हैं बताओ? छह। अब देखो बच्चों, छह को ना आठ पुराना है, छह को आठ पुराना है। इसके पास दो ऑप्शन, या तो ये छह को छोड़ दे या दो और ले ले तो आठ पुर जाए। तो छह छोड़ने से अच्छा है कि दो क्या करेगा? ले लेगा, आसान पड़ेगा ना। yes. नहीं समझे? अरे आठ अष्टक पुराना होता है, इसको अष्टक पुराना होता है। तो बच्चों ध्यान दो, तो छह में कितना जोड़ देंगे कि आठ हो जाएगा? दो। तो प्लस दो जोड़ दिया, इसकी होगी वैलेंसी। सिंपल, ध्यान दो, फिर समझिए वंस अगेन। सबसे पहले बच्चों आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पता होना चाहिए। अब देखिए, अब बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दो जरा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर वो होता है कितना? एट। अब इसको सजाइए, तो दो और छह कितना लिखेंगे? दो और छह, दो से शुरू करेंगे ही करेंगे। हाँ। दो शुरू करेंगे ही करेंगे, समझे ना? ठीक है। अच्छा, आप किसको पुराना है? इसको अष्टक। कितना पुराना है? अष्टक पुराना होता है, ऑक्टेव पुराना होता है। ठीक है, तो इसमें तो छह में कितना जोड़ देंगे? दो। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वैलेंसी के ऊपर एक पूरा का पूरा वैलेंसी निकाल के एक मतलब बता ही दूंगा कि कैसे कैसे वैलेंसी निकाल। जैसे कि देखो, ध्यान दो, एक वैलेंसी मैं और दिखा दूं, आपको क्लैरिटी हो जाएगा, इसको बिना दूं। चलो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे आपको सोडियम को पूछ दे, सोडियम का वैलेंसी ध्यान दो। सोडियम का वैलेंसी, तो बच्चों सोडियम का वैलेंसी निकालने के लिए आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर बोलो 11। बिल्कुल सही, सोडियम का संकेत होता है Na। क्या होता है संकेत? Na। अब देखिए बच्चों, 11 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब एटॉमिक नंबर पहले शुरू में इसका ये निकालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो आठ, आठ दो दस। एक क्या बच्चा एक्स्ट्रा, तो एक क्या हो गई वैलेंसी, एक क्या हो गया इसकी वैलेंसी, यही हो गई इसकी संयोजकता, वैलेंसी VALENCY। ठीक है बच्चों, दिस इज योर वैलेंसी। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम में निकालना है तो बताओ मैग्नीशियम कितना होता है? बोलो ना, अरे बालक बोलो, मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम होता है 12, Mg से संकेत होता है मैग्नीशियम। तो सिंपल हो गया, 12 हो गया, तो दो आठ दो। अच्छा, इसको अष्टक पुराना है, हाँ। तो दो को हटा देगा, दो क्या करेगा? हटा देगा। देखो दो क्या करेगा? हटा देगा। आठ पुराना है ना, हाँ। तो दो एक्स्ट्रा हो गया, बोलेगा जाओ तुम जाओ बाहर, दो हटा दो। छह लेने से बढ़िया है कि दो को क्या करे? हटा दे। देखो अभी तुम बोलोगे सर आप इसमें छह भी तो ले सकते हैं, भाई आसान कौन पड़ेगा? आसान पड़ेगा कि दो को हटा दे, तो आठ पुर जाएगा, तो वैलेंसी तो हो गई इसकी कितनी? दो। ठीक है, ऐसे निकाले थे वैलेंसी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दो है, ध्यान दीजिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ध्यान दो, जो अम्लीय वर्षा है उसके जल का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होगा? अब देखो बच्चे लोग कैसे सोचते हैं, बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा भोले भाले होते हैं, वो सोचते हैं है यार वर्षा है, वर्षा मतलब जल, वर्षा मतलब जल, और जल का पीएच मान होता है सात। क्या होता है? सात। आंसर देखा, सात मार दिया, गलत हो गया उत्तर, गलत होगा, गया बोल्ड, सीधा बोल्ड। ध्यान दो बच्चों, सात नहीं होगा इसका आंसर, ध्यान दो। अब कह रहे अम्लीय, देखिए बच्चों अब आपको एक ज्ञान होना चाहिए, ध्यान दो। हाँ, ज्ञान दो, समझो बच्चों,
पीएच मान जो होता है वो 0 से 14 के बीच में कितना होता है बच्चों? 0 से 14 के बीच बोलो ना, 0 से 14 के बीच में होगा। बीच में होता है 7। अच्छा 0-7 में होता है अम्लीय, क्या होता है बच्चों? अम्लीय। 0-7 में क्या होता है बोलो ना? अम्लीय। 7 होता है उदासीन। 7 होता है उदासीन। 7 से 14 होता है क्षारीय। 7 से 14 होता है बोलो क्षारीय। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दो बच्चों, 0-7 होता है अम्लीय, 7 होता है उदासीन, 7-14 होता है क्षारीय। क्षारीय। अब देखो पानी जो है उदासीन, पानी क्या होता है? उदासीन। तो विद्यार्थी क्या देखा? पानी देखा, वो जल, यहाँ तो है जल, जल देखिए 7 हो गया। नहीं ये नहीं देख रहा है कि अम्लीय जल है, कितना है अम्लीय, यानी 0 से 7 के बीच में होगा। 0 से 7 के बीच, देखो 0 से 7 के बीच में क्या होता है? अम्लीय। बोलो 0 से 7 के बीच में अम्लीय, ठीक 7 में उदासीन, 7 से 14 में क्षारीय। फिर समझो 0 से 7 में बोलो अम्लीय, 7 में उदासीन, 7 से 14 में क्षारीय। अब देखो ध्यान दो, अब अम्लीय वर्षा का पीएच मान बच्चों होता है एग्जैक्टली, अब कह रहे 5.6 से अधिक, अधिक तो ये भी हो सकता है ना, अरे 5.6 से अधिक तो ये भी होगा, 14 भी होगा, तो ये क्या होता है अम्लीय? नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं ये कैसे होगा तब? तब ये किसी नहीं होगा, तो बच्चों 5.6 से कम। देखो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है लेस देन 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच। बोलेंगे आप रट लिए हैं, रटे नहीं, ध्यान दो बच्चों, हाँ रटे नहीं है, ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। देखो मैं फिर समझा, ध्यान दो, पीएच मान कितने से कितने बीच होता है बोलो ना? 0 से 14 के बीच में। आप बीच में क्या होता है? 0-7 में क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय। 0-7 में बोलो ना? अम्लीय। बराबर क्लियर है बोलो? अम्लीय। हाँ 7 क्या होता है? उदासीन। जोर से बोलो। हाँ उदासीन। 7-14 में क्या होता है? क्षारीय। आप देखिए ध्यान दीजिए, देखो बच्चों ध्यान समझो, अम्लीय कह रहा है तो अम्लीय होगा 0 से लेकर 7 के बीच में होगा ना? Yes, तो ये कह रहा है 5.6, 5.6 से अधिक तो ये भी होगा ना, 8 हो सकता है 5.6, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 होगा, नहीं होगा ये नहीं। अच्छा बच्चों 7 तो नहीं होगा क्योंकि उदासीन हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। अब बच्चा 5.6 एग्जैक्ट 5.6 नहीं बच्चों, अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 से कम, यानी कि 5.4 भी हो सकता है, 5.3 भी होता है, 5.5 भी होता है, 5.2 होता है, 5.1 भी हो सकता है, मतलब इसका मान कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए कम कर दिया गया है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब बोलेंगे सर ये समझ तो गए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, बट अब ये बताइए ये अम्लीय वर्षा होता है क्या, ये है क्या? हम तो कुछ समझे ही नहीं, नाम पहली बार सुने हैं अम्लीय वर्षा। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता, ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए प्लीज लिसन, लिसन टू मी। अम्लीय वर्षा ये वर्षा से होती है, वर्षा से होते हुए गिरती है, जैसे वर्षा हुआ रिमझिम रिमझिम, उसी से उसी में बच्चों एकदम पूरा वर्षा क्या होती है? गिरती है, वर्षा गिरा और उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। सिंपल समझो, वर्षा हुआ अम्ल बेसी है, अम्ल बेसी होता है जब ये गिरता है ना बच्चों, तो पेड़ पौधा पे गिरता है तो पेड़ पौधा का पूरा पत्ती सब सुखा देता है, पूरा मुरझा देता है, देखते होगे गाछ वृक्ष से मरने लगता है, क्यों लगने लगता है? मरने लगता है क्योंकि अम्ल वर्षा होना शुरू हो जाता है। देखिए जब भी अम्ल वर्षा होता है, ध्यान दो, जब भी अम्ल वर्षा होता है पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां मुरझा जाती, पूरा मुरझा जाएगा, पूरा लीफ सब पूरा एकदम बर्बाद, इसको खत्म हो जाएगा, वनस्पतियां बच्चों, वनस्पतियां गाछ वृक्ष जो होता है वो खत्म होना शुरू होता है, ठीक है बच्चों? बताओ अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, हाँ 5.6 से कम। अच्छा ये होता है तो क्या होता है, वनस्पतियां क्या होती है? नष्ट, वनस्पतियां समझे, गाछ वृक्ष क्या होती है? हरा भरा सब खत्म, बर्बाद हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, वनस्पति नष्ट हो गया, अब होता क्या? देखिए अब प्रश्न पूछता है, एक बार पूछा था कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, इसका कारण बताइए, तो बच्चों इसका कारण होता है SO2, SO2 और NO2। अब बोलेंगे सर SO2 क्या है और NO2 क्या है? देखिए बच्चों SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान दो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्वेश्चन पूछा है लिख लेना, अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2 और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर पेपर में ऑप्शन में ये पहले हो तो इसको पहले मारना,
अगर पेपर में ये ना हो तो पहले इसको मारना, अगर दोनों हो तो पहले इसको टिक करना SO2। किसको टिक करना? SO2। ये 2020 में पेपर में आया हुआ है, ध्यान समझिए। अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। बोलो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बोलो ना, सल्फर डाइऑक्साइड। यस, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। समझे बात? ठीक है, समझे बात? हाँ, बच्चों आपको याद रखने ला है इसको, ठीक है? तो हमने बोलो, फिर से बोलो, हमने बताया पीएच मान 5.6 से कम। ये जब होता है तो क्या होता है? पत्तियां सूखा जाती है, पत्तियां गाछ वृक्ष वनस्पति सभी चीज नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दूसरा तीसरा प्रश्न पूछेगा बच्चों कि भाई अम्ल वर्षा का कारण कौन सा गैस होता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। समझे बात? क्लियर हो? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए बच्चों, तो ऑप्शन अगर SO2 तो SO2 करना, NO2 हो तो NO2, अगर दोनों हो तो ये प्लेट करना, ये हो तो ये टिक। समझ आया? ठीक है बच्चों, तो आई होप दोस्तों एक छोटा सा वीडियो में 10 से 12 मिनट का वीडियो में मैं आपको समझा पाया सल्फर ये क्या, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।